Hey, what's going on guys? HR is here. Hope you guys are having a great day. Welcome back to the channel. So guys, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5 और मैं इधर फ्रैंकलिन को लेकर जा रहा हूँ माइकल के घर, क्योंकि माइकल ने अर्जेंट कॉल करके मुझे बुलाया कि उससे कुछ इमरजेंसी आ गया। तो मैं मेरा गाड़ी को जैसे तैसे करके भगाता हुआ जा रहा हूँ उसके घर और देखता हूँ उधर क्या हुआ है। तो इधर मैंने काफ़ी दूर आ गया और पुलिस भी मेरे पीछे पड़ा था और उसके घर में शायद कोई आया है, क्योंकि उसके घर में दो गाड़ी है नया नया। पता नहीं ये कौन गिरा ऊपर से, ये कौन है, ये क्या हुआ। मैंने अंदर जाके देखता हूँ कि क्या सीन है। कर दिया मुझे लगता है। तो फॉलो द टेनिस कोच। ओ भाई, मुझे अब पता चल गया। हम लोग जो नहीं सेकंड वाली वीडियो में देखा था, जब हमने माइकल की गाड़ी चुराते हुए जब आया था उसके घर, तब हमने देखा था कि अमन द टेनिस कोच के साथ कुछ बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो अब तो उसने कुछ ज़्यादा ही हाथ पड़ कर दी और ये माइकल का जो गुस्सा है वो भी जायज है। और वो अब गुस्से में पागल हो गया। वो जैसे तैसे करके गाड़ी भगा रहा है और देखो जैसे तैसे करके गाड़ी भी भगा रहा है और किसी भी जगह वो गाड़ी को ठोक दे रहा है। तो अब हम पीछा कर रहे हैं उस बंदे की जो टेनिस कोच है, और वो हमसे बहुत आगे निकल गया। शायद उसे हम और पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो ज़्यादा ही आगे निकल गया और मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक से इधर से वो डिसअपेयर हो गया और इधर से शायद हमें एक क्लू मिल गया। केओन पर जाके शायद वो छूट गया। तो देखते हैं, कैन्यू था शायद, मैंने गलती से कैन कह दिया। तो इधर से हमें अब जाना है ऑफ रोड। और ये गाड़ी बिल्कुल बेकार है, चलाने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये देखो इधर उसकी गाड़ी इधर है और वो बंदा ऊपर है। तो जाते हैं आगे और देखते हैं। अब तो माइकल ने उसे मार ही देगा, बिल्कुल उसे मार देगा, तो उसे छोड़ेगा तो नहीं बिल्कुल। तो देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। तो ये माइकल ने फ्रैंकलिन को कहा कि इस गाड़ी के पीछे से जो ये रस्सी है इसे खींचकर इस घर के किसी भी पिलर पर टंगा दो, क्योंकि ये पिलर जो है वो लकड़ी का है और ये घर भी लकड़ी का है और माइकल अब इसे शायद गिराने वाला है। इधर माइकल ने इसके साथ बातें करते करते इसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और इधर फ्रैंकलिन उसका काम कर रहा है। But your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money and nail my wife. और इधर माइकल ने गुस्से में बिल्कुल पागल हो गया। और ये टेनिस कोच के शायद बीवी है, पता नहीं कौन है। और ये माइकल कह रहा है कि तुमने मेरे पैसा लिया, मेरे बीवी को पैसा लेकर मेरे घर में ही मेरे बीवी के साथ थी चीट कर रहे हो मेरे अगेंस्ट। और अब वो उसका गलती भी मान लिया, लेकिन ऐसे माना कि वो कुछ किया ही नहीं। तो हमने अब उसका घर जो है वो बिल्कुल गिराने वाला हो। इधर हमारा जो गाड़ी है वो हम आगे तक की तरफ एक्सप्रेशन करते हुए खींच रहे हो। और देखो दोस्तों, वो जो घर है वो टूटना चालू हो गया, कुछ एरिया भी टूट गया। और इधर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन दिया और भी ज़्यादा ये टूट गया और शायद अब ये पूरा ही गिर जाए। मैंने अब फुल एक्सीलरेशन लेकर देते हुए और ये गया, ये घर गया बिल्कुल तोड़ फोड़ गया। देखो गाइस, ये उसकी पड़ोसी जो है उसकी भी हालत कुछ ख़राब होने वाला है, क्योंकि इस घर का जो मटेरियल्स है वो जाके तो पड़ोसी के घर में ही गिरेगा जो उसके घर के नीचे है। और देखो रास्ता भी बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो अब मैं इधर से निकलता हूँ और जाकर देखता हूँ हम ऊपर चढ़ सकते हैं कि नहीं। इधर तो चढ़ने के लिए कोई भी रास्ता मुझे नहीं देखा। ओह शिट, मैंने तो गिर गया, लेकिन मुझे इधर चढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं देख रहा कि कैसे चढ़ूँ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इधर चढ़ने की, लेकिन ओके, गो बैक टू माइकल्स हाउस। अब तो माइकल के घर जाना पड़ेगा। यह कौन, किसका कॉल है? That's not my house. Okay. Bullshit. ये टेनिस कोच का हाउस नहीं था। मैंने किसका घर गिरा दिया। I'm a tennis coach. I hit balls for a living.
वो कह रहा है कि मैं इधर छुपने के लिए आया था और इधर मैं इतनी इतनी ज़्यादा महंगी घर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक बस टेनिस कोच हूँ और इधर किसी बंदी की बंदी जो आपने देखा उसकी फोन से उसने कॉल किया और वो मुझे धमकी दे रहा है कि जिसका नाम है मार्टिन मद्राजो और वो उसकी नाम लेकर मुझे धमकी दे रहा है और माइकल ने कह दिया एज इफ मैंने डर गया वो डरा भी नहीं और इधर हमने उसके घर में चढ़ने की फिर से कोशिश करते हैं फ़ोन रख कर और इधर फ्रैंकलिन कह रहा है कि वो जो बंदा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एक बंदा है वो किंग पिन है और गैंगस्टर भी शायद चलाता है तो हम इधर चलते हैं हमारे घर पहले और देखते हैं क्या क्या सीन है तो चलो गाइस हम लोग चलते चलते काफ़ी दूर आ गए और ये जो एक गाड़ी हमें हमारी पहली वाली जो गाड़ी थी वो बिल्कुल टूट गया था और मैंने रास्ते से एक गाड़ी उठा लिया और ये गाड़ी का हालत भी कुछ बहुत ही ख़राब हो गया देखो गाइस टूट कर कितना बुरा हाल हो गया और इधर मैंने मेरा घर के बहुत करीब आ गया और इस गाड़ी का जो ब्रेक है वो भी बहुत वीक हो गया मैंने इसको इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से चलाया कि देखो सर का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और इधर हमने हमारा घर आ गया और देखते हैं आगे क्या होता है इधर माइकल ने फ्रैंकलिन को थैंक्स कह रहा है कि उससे कॉल करते हुए ही वो चले आए जैसे तैसे करके और कुछ भी नहीं सोचकर और आप लोगों ने भी देखा कि फ्रैंकलिन के पीछे पुलिस था और वो ने तब भी जैसे तैसे करके माइकल के घर आ गया और इधर ये बंदे कौन हैं वो लड़की तो शायद वही है बेसबॉल बैट लेकर आ गया ये कौन है I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. Okay, ये बंदा कौन है? ये फ्रैंकलिन का लाइसेंस मांग रहा है तो इसका बॉडीगार्ड देखो कितनी बुरी तरह से ले लिया Franklin. ओ भाई ये मेरा लाइसेंस क्यों ले लिया मैंने क्या किया Santa here. Who am I? I think Martin Madrazo. ओके यही वो मार्टिन मद्राजो है जिसका घर हमने उधर तोड़ दिया था और इधर फ्रैंकलिन को मार्टिन ने कह रहा है कि मेरी बैकग्राउंड जो है वो तुम तुम्हारे दोस्त को बता दो ताकि समझ जाए कि ये मैं कौन हूँ और ये लड़की भी देखो कि आ गया ये लड़की मुझे फॉलो करते करते इधर आ गया और शायद वो टेनिस कोच से मेरा पता लेकर इधर चला आया है तो ओ शिट ये तो अब पीटने वाला है माइकल ओ भाई कितनी बुरी तरह से उसके हाथ में मारा ओ भाई इसकी गार्ड्स देखो पिस्तौल लेकर खड़ा हुआ है और मुझे पूछ रहा है कि मैंने उसका घर क्यों गिराया और इधर माइकल ने कह रहा है कि मैंने मुझे पता नहीं था ये तुम्हारा घर है मैंने टेनिस कोच का घर समझकर वो गिराया था उसने मुझे पूछा कि तुम मेरे जो घर है वो तुम ठीक कर दोगे और ये जो मेरी बंदी है उसके लिए एक तगड़ी होटल बुक कराओ क्योंकि अब उसे उधर रहना है और वो तुम मुझे मेरा घर फिर से ठीक कर दोगे और या मुझे मेरा पैसा वापस करोगे जो है 5 मिलियन और ये देखो कितनी बुरी तरह से ये लेडी भी माइकल पर सीट्स करके गया और वो लोग चले गए इधर माइकल का हालत कुछ खराब है Never better. अब फ्रैंकलिन पूछ रहा है अब हम क्या करें ओके माइकल ने तो रिटायरमेंट कर लिया था लेकिन अब उसे लगता है कि वो रिटायरमेंट पे नहीं जा सकते क्योंकि उसे अब 5 मिलियंस के अरेंज करना है तो इसलिए अब वो क्या करेगा तो हम आगे चल के हमको पता चलेगा तो इधर उसने उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है लेस्टर वो उसका नाम लिया कि उसके उसी से ही वो शायद हेल्प लेगा तो इधर फ्रैंकलिन को उसने गुड बाय कर दिया और वो जा रहे हैं खुद के घर और माइकल भी अपने घर पर अब जा रहा है कितना भाई ज्यादा बेइज्जती हो गया देखो तो इधर दूसरी दिन सुबह हो गया और इधर माइकल ने जो लेस्टर है उसकी फ्रेंड उसे कॉल कर दिया और उसके उसके साथ बातें कर रहा है देखते हैं क्या बोलता है माइकल ओह यू डोंट साउंड गुड बडी टैक्टफुल एंड चार्मिंग इवन इन डेथ कम सी मी ओल्ड फ्रेंड
ओके, ये जो उसका फ्रेंड है वो भी एलएस में ही रहता है, उसके इधर कहीं पर छुप कर रहता है, तो देखते हैं। और ये मेरा पता कैसे जान लिया मुझे नहीं बताया। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर इस वाली वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो जाके लाइक बटन को दबाओ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके ऊपर से घर गिरा दो या गाड़ी, हमें नहीं पता, वो बस क्लिक हो जानी चाहिए। तो चलो मैं भी चलता हूँ, मिलता है आप लोगों के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।